विधानसभा परिसर में सावन के शुभ माह में विधानसभा का ये परिसर जो 50 एकड़ का एक शानदार बगीचा के रूप में विकसित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी उपस्थित हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास जी और हमारे सारे मंत्रीगण, सारे विधायक पक्ष विपक्ष के इस कार्यक्रम में सबकी भागीदारी है। और ये निश्चित रूप से ऐसा परिसर बनेगा जो आने वाले समय में बच्चों के लिए गार्डन भी रहेगा, एक लेक भी डेवलप हो रहा है और हर प्रकार के पेड़ जिसके बारे में कहा जा सकता है, महुआ से लेकर साल से लेकर हर प्रजाति के फलदार वृक्ष, आम, जाम, जामुन से लेकर सब कटहल और पेड़ रहेंगे। तो निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी और मोदी जी की योजना एक वृक्ष माँ के नाम, तो हम अपने अपने माँ के नाम समर्पित कर रहे हैं इस वृक्ष को और इसका रक्षा करना भी सबकी जवाबदारी है। वन विभाग इसका संधारण करेगा। विधानसभा परिसर में सावन के शुभ माह में विधानसभा का ये परिसर जो 50 एकड़ का एक शानदार बगीचा के रूप में विकसित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी उपस्थित हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास जी और हमारे सारे मंत्रीगण, सारे विधायक पक्ष विपक्ष के इस कार्यक्रम में सबकी भागीदारी है। और ये निश्चित रूप से ऐसा परिसर बनेगा जो आने वाले समय में बच्चों के लिए गार्डन भी रहेगा, एक लेक भी डेवलप हो रहा है और हर प्रकार के पेड़ जिसके बारे में कहा जा सकता है, महुआ से लेकर साल से लेकर हर प्रजाति के फलदार वृक्ष, आम, जाम, जामुन से लेकर सब कटहल और पेड़ रहेंगे। तो निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी और मोदी जी की योजना एक वृक्ष माँ के नाम, तो हम अपने अपने माँ के नाम समर्पित कर रहे हैं इस वृक्ष को और इसका रक्षा करना भी सबकी जवाबदारी है। वन विभाग इसका संधारण करेगा। विधानसभा परिसर में सावन के शुभ माह में विधानसभा का ये परिसर जो 50 एकड़ का एक शानदार बगीचा के रूप में विकसित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी उपस्थित हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास जी और हमारे सारे मंत्रीगण, सारे विधायक पक्ष विपक्ष के इस कार्यक्रम में सबकी भागीदारी है। और ये निश्चित रूप से ऐसा परिसर बनेगा जो आने वाले समय में बच्चों के लिए गार्डन भी रहेगा, एक लेक भी डेवलप हो रहा है और हर प्रकार के पेड़ जिसके बारे में कहा जा सकता है, महुआ से लेकर साल से लेकर हर प्रजाति के फलदार वृक्ष, आम, जाम, जामुन से लेकर सब कटहल और पेड़ रहेंगे। तो निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी और मोदी जी की योजना एक वृक्ष माँ के नाम, तो हम अपने अपने माँ के नाम समर्पित कर रहे हैं इस वृक्ष को और इसका रक्षा करना भी सबकी जवाबदारी है। वन विभाग इसका संधारण करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।